मधुबनी न्यूज के फास्ट न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। पुणे के धनकवड़ी सेवा केंद्र पर द पावर ऑफ पॉजिटिव चेंज विषय पर आयोजित माउंट आबू के वरिष्ठ राजयोगी बीके सूरज ने मन की शक्ति को संसार की सबसे बड़ी शक्ति बताया। हमारे पास बहुत बड़ी एक शक्ति है, मन की शक्ति। उससे बड़ी शक्ति संसार में कोई होती नहीं, जिसको मनोबल कहते हैं, जिससे मनुष्य बड़े बड़े काम कर लेता है। तो एक तो जीवन के लिए ये सुंदर धारणा आज से बना लें, जीवन में हम कभी हार नहीं मानेंगे। इस कार्यक्रम में माउंट आबू से बीके गीता ने स्वमान के अभ्यास का प्रैक्टिकल अनुभव किया साझा। तनाव, गुस्सा, दुख जैसी बुराइयों का शरीर में पड़ने वाले प्रभाव की दी जानकारी। सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुलभा समेत बड़ी संख्या में लोग रहे उपस्थित। पॉजिटिव रहना और पॉजिटिविटी से अपने अंदर चेंजेस लाना, ये पॉजिटिव संकल्प जो है, पॉजिटिव विचार जो है, पॉजिटिव एनर्जी जो है, मेरी फिजिकली भी, मेंटली भी, और जो हमारे पारिवारिक समस्याएं हैं, सामाजिक समस्याएं हैं, काम धंधे वाली समस्याएं हैं, काफी हद तक उसमें रोल अदा करती है ठीक करने में। इसके साथ ही सेवा केंद्र पर घर गृहस्थ में रहने वाले खास युगलों के लिए रूहानी संबंध और आपसी संवाद विषय पर आयोजन। वरिष्ठ राजयोगी बीके सूरज, बीके गीता, मेरा सोसाइटी सब जोन प्रभारी बीके सुनंदा ने रखे विचार। किसी ने मैं महान आत्मा हूँ जैसे स्वमान का अभ्यास करने पर दिया जोर, तो किसी ने सर्व के प्रति सम्मान का भाव रखने की दी प्रेरणा। संबंधों को बिगाड़ना बुद्धिमानी नहीं होती है। प्यार देना है, सम्मान भी देना है, दूसरों की भावनाओं को भी सम्मान देना है ना। रिजेक्शन नहीं, अनादर कहीं ना हो किसी चीज का। तो एक सुंदर बैलेंस लाइफ आपको जीनी है, नहीं तो तनाव बहुत होता है। संबंधों में सकारात्मकता लाने के लिए हमारा नजरिया बहुत महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र के सेलू सेवा केंद्र के द्वारा संबंधों में सकारात्मकता विषय पर कार्यक्रम का आयोजन। सेलू सेवा केंद्र प्रभारी बीके दर्शना, वर्धा सेवा केंद्र प्रभारी बीके माधुरी रही उपस्थित। बहरीन से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एवं असिस्टेंट जनरल मैनेजर बीके शिवलाल ने विषय पर डाला प्रकाश। आपकी सफलता या संबंध इस बात की अहमियत पर निर्भर करता है कि आप किस से सलाह ले रहे हैं। याद रहे, अर्जुन श्री कृष्ण से सलाह ले रहा था और दुर्योधन मामा शकुनी से। तो आप सलाह किससे ले रहे हैं? यदि आप स्वयं से सलाह लेंगे शांतमय स्थिति में, तो आपका हर संबंध ही सकारात्मक रहेगा। इसके साथ ही पावर ऑफ कंसंट्रेशन विषय पर दीपचंद चौधरी कनिष्ठ महाविद्यालय और गवर्नमेंट आईटीआई कॉलेज में डेवलपिंग मल्टी स्किल्स विद इन विषय पर भी बीके शिवलाल ने किया संबोधित। हरियाणा में नेसिंग सेवा केंद्र के द्वारा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत युवाओं को नशा मुक्ति के लिए किया गया जागृत। सेवा केंद्र प्रभारी बीके उर्मिल और बीके सलोनी ने बताया कि नशे जैसी बुराइयों ने समाज को खोखला कर दिया है। राजयोग अर्थात रहस्य को जानना, भेद को जानना, योग अर्थात मिलन, मिलाप, संबंध, जोड़, किसका? आत्मा का, उस परम पिता परमात्मा के साथ। ये हम सब के ऊपर निर्भर करता है कि हम मूल्यनिष्ठ समाज बना रहे हैं या वैल्यूलेस समाज बना रहे हैं। ये परिवर्तन की वेला है। इस परिवर्तन की वेला में अपने आप को जागृत करके हमें इस कार्य में मददगार बनना है, क्योंकि युवा शक्ति ही सब कुछ कर सकती है। मध्य प्रदेश के मंडला सेवा केंद्र के द्वारा मनाया गया विश्व साड़ी दिवस। सेवा केंद्र प्रभारी बीके ममता ने बताया कि साड़ी भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की शक्ति है। साड़ी दिवस हमें ये सिखाता है कि हमें आजकल के आधुनिक पहनावे की तरफ अपने मन बुद्धि को आकर्षित न करके सादा सिंपल संस्कृति को अपनाते हुए हमें साड़ी के पहनावे पर विशेष जोर देकर, विशेष महत्व देकर, साड़ी से ही अपने तन को पूरा ढक करके रखना होता है।
मध्य प्रदेश के हरपालपुर सेवा केंद्र पर भी अंतर्राष्ट्रीय साड़ी दिवस पर आयोजन। हरपालपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके आशा ने कहा कि यह परिधान समाज में माताओं बहनों को सम्मान दिलाता है और सभ्य व संस्कारी जीवन बनाने की प्रेरणा देता है। और अच्छी भी लगती है, पसंद भी आती है हम महिलाओं को। दूसरा भले ही और आजकल चूड़ी चले सब कुछ चलेगा, लेकिन उतनी लुक आता ही नहीं है जितना साड़ी में आता है, इसलिए हम लोग साड़ी ही पसंद करते हैं। साड़ी दिवस है इसलिए हम महिलाओं ने साड़ी दिवस मनाया है यहाँ पे, और ये हमारी संस्कृति है, भारतीय संस्कृति का ध्यान वहाँ साड़ी ही है। और कई ड्रेसेज हैं लेकिन साड़ी सबसे अच्छी लगती है हम लोगों को, और हम साड़ी में भी चलते हैं। वहीं लवकुशनगर सेवा केंद्र पर भी मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय साड़ी दिवस। सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुलेखा ने बताया कि आज लोग पुरातन संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, लेकिन हमें अपनी वेशभूषा पर ध्यान देना चाहिए। सूरत के पासोदरा सेवा केंद्र के द्वारा अलग अलग स्थानों पर बाइक रैली और कलश यात्रा निकाली गई। जल जन अभियान के तहत आयोजित रैली में बीके सदस्यों ने लगवाए नारे। मध्य प्रदेश के सारंगपुर सेवा केंद्र पर इंदौर जोन के पूर्व क्षेत्रीय निदेशक बीके ओम प्रकाश भाई जी और बीके कमला दीदी की पुण्यतिथि पर सभी ने दी भावपूर्ण श्रद्धांजलि। सेवा केंद्र प्रभारी बीके भाग्य लक्ष्मी ने महान आत्माओं के व्यक्तित्व पर डाला प्रकाश। ग्वालियर के प्रेमनगर में तानसेन नगर सेवा केंद्र के द्वारा नशा मुक्ति भारत अभियान के तहत लगाई गई व्यसन मुक्ति प्रदर्शनी। बीके योगेश ने होम्योपैथिक दवाई के साथ राजयोग मेडिटेशन को बताया जरूरी। सभी ने लिया बढ़ चढ़कर हिस्सा। महाराष्ट्र के अकोला खामगांव और शेगांव में समाज के सभी वर्गों के लिए ब्रह्म कुमारीज द्वारा कार्यक्रमों का आयोजन। रेडियोलॉजिस्ट और मोटिवेशनल स्पीकर बीके डॉक्टर राजेश ने राजयोग द्वारा तन और मन को स्वस्थ बनाने की सिखाई विधि। अकोला सेवा केंद्र प्रभारी बीके रुकमणी, खामगांव सेवा केंद्र प्रभारी बीके शकुंतला, शेगांव सेवा केंद्र प्रभारी बीके शारदा के मार्गदर्शन में सम्पन्न। बिहार में सिविल लाइन गया सेवा केंद्र पर धूमधाम से मनाई गई गीता जयंती। गायत्री विद्यापीठ के जोनल कोऑर्डिनेटर संतोष संगम, सेवा केंद्र प्रभारी बीके शीला ने निराकार परमात्मा शिव द्वारा सुनाए जा रहे गीता ज्ञान के बारे में सभी को दी जानकारी। छत्तीसगढ़ कटघोरा के उपकारागार में बंद कैदियों को अपराध मुक्त जीवन हेतु कर्म गति और व्यवहार शुद्धि विषय पर दी प्रेरणा। जेलर प्रभारी द्वारका प्रसाद चतुर्वेदी, जन जन की आवाज चैनल के संवाददाता विनोद जायसवाल रहे उपस्थित। माउंट आबू के वरिष्ठ राजयोगी बीके भगवान बीके गायत्री ने स्वयं में सुधार लाने की दी प्रेरणा। छत्तीसगढ़ कटघोरा के शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में बीके भगवान ने कहा कि कुसंग, सिनेमा, मोबाइल, टीवी और फैशन से युवाओं में आज अनैतिकता आ रही है। वहीं चांपा सेवा केंद्र की बीके रचना, स्थानीय सेवा केंद्र की बीके आशा, प्राचार्य SB रिजवी ने रचनात्मक कार्यों को बढ़ावा देने का किया प्रयास। कटघोरा के शासकीय बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में भी बीके भगवान ने बताया कि नैतिक शिक्षा से ही चरित्र का निर्माण होगा। इसके साथ ही अन्य बीके सदस्यों ने दिव्य गुणों को जीवन में धारण करने का बताया महत्व। सशक्त बनना, सशक्त किसको कहेंगे? जो नहीं देखना उसको नहीं देखना, जो नहीं बोलना उसको नहीं बोलना, जो नहीं खाना उसको नहीं खाना, इसको कहेंगे एम्पावर। क्योंकि आज के बच्चे एम्पावर, कल का समाज एम्पावर, और आजकल गवर्नमेंट ने नारियों को सशक्त बना लिया। आगे स्वामी आत्मानंद शासकीय इंग्लिश मीडियम स्कूल में भी बच्चों को बीके भगवान ने दी एकाग्रता बढ़ाने के टिप्स। राजयोग का भी कराया अभ्यास। प्राचार्य महेंद्र सिंह कंवर ने बीके सदस्यों का माना आभार। जीवन में नैतिक शिक्षा का महत्व, क्योंकि आज के बच्चे कल का भावी समाज है। अगर भावी समाज को अच्छा बनाना है तो वर्तमान के बच्चों को इस मूल्य शिक्षा के साथ साथ, भौतिक शिक्षा के साथ साथ मूल्य सीखना जरूरी।
कटघोरा में जन जन के आवाज चैनल के द्वारा बीके भगवान ने दिया ईश्वरी संदेश। संवाददाता विनोद जायसवाल ने बताया कि इस आध्यात्मिक ज्ञान से कैसा भी मनुष्य हो लेकिन उसकी सोच व्यवहार में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलता है। ये मेडिटेशन बिल्कुल एक दवाई के रूप में काम कर रहा है लोगों के लिए। काफी लोग, मैं भी बीच बीच में आता हूँ, देखता हूँ बहुत ही सारे अपने इंद्रियों को कैद करके लोग सांस रोक के सुनते रहते हैं, ये मेरे को देखने को मिला यहाँ पे। और बहुत ही इस भवन पे आने के बाद, वैसे भी जब ये भवन में लोग पैर रखते हैं तो आधा उनका जो मन का जो विकार है, मन का जो द्वेष है, उलझने हैं, वैसे भी अपने आप को राहत महसूस करने लगते हैं, मैंने जो देखा है। महाराष्ट्र में कल्याण के किन्हवली सेवा केंद्र के द्वारा मुरबाद के अलग अलग स्थानों पर व्यसन मुक्ति के साथ साथ मूल्यों को धारण करने की दी गई शिक्षा बीके उषा, डॉक्टर भारती, डॉक्टर वर्षा ने राजयोग के बारे में भी दी जानकारी। झारखंड के हजारीबाग बाराबंकी सेवा केंद्र के द्वारा सुल्तानपुर के मंदिर में लगाई गई आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी, नशा मुक्ति कैंप भी लगाया गया, सभी गाँव वासियों ने लिया भरपूर लाभ। ब्रह्मा कुमारी माउंट आबू के रेडियो मधुबन के द्वारा आबू रोड के गिरवर में मनरेगा श्रमिकों के लिए कार्यक्रम, आरजेबी के पवित्र ने शारीरिक मानसिक व भावनात्मक रूप से सशक्त बनने का किया आह्वान, चित्र प्रदर्शनी के द्वारा नशा मुक्ति का संदेश। लखीसराय बिहार में केआर के उच्च विद्यालय में बीके राजीव, बीके संजय और बीके प्रियंका ने मूल्य निष्ठ शिक्षा के बारे में कराया अवगत, बड़ों का सम्मान करना, संघ दोष से अपनी संभाल करने जैसे बातों पर खिंचवाया ध्यान। फास्ट न्यूज में इतना ही, अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।